शांति शेफ डायरी में मित्रों आपका स्वागत है आज फिर हम आपके पास कुछ एक नई रेसिपी लेकर आए हैं आज भी हमारे पास वही मेहमान पधारे हुए हैं जो पहले से उन्होंने कुछ सामग्री आपको बना के दिखाई थी साथ ही साथ उसका लाभ और अपने जो तीस वर्षों से ज्ञान में चल रहे हैं उसके भी कुछ फायदे बताए थे आइए उनका शेफ डायरी में स्वागत करते हैं जी आपका शेफ डायरी में बहुत बहुत स्वागत है आपका भी धन्यवाद जी जैसे कि मैंने कहा कि आप हमारे पहले भी इस कार्यक्रम में पधार चुके हैं और आपने कई तरह की रेसिपी बनाकर दिखाई साथ ही साथ उसकी सामग्री भी बताई और आपने ज्ञान के माध्यम से उसको किस तरह से बनाना चाहिए कैसे मौन में रहना चाहिए शांत के बारे में बताया और साथ ही साथ आपने कहा कि आप बचपन से ही आ, जो आपके प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के जो हेड थे या हैं जैसे आपने कहा दादियाँ जी हैं उनके साथ आप रहे उनके साथ रहकर आपने ये कार्य भी किया और किचन भी संभालते रहे साथ ही साथ तो वो सब आपने अपने जीवन की एक शैली बताई आगे, आगे भी हम आपसे ज्ञान के बारे में चर्चा करते रहेंगे लेकिन फिलहाल आज आगे आप हमारे दर्शकों को क्या रेसिपी लेकर आए हैं तो सबसे पहले हम आज आप लोगों के लिए एक नई नाश्ते की डिश बना रहे हैं जी। और ये शायद आप लोगों ने बनाई नहीं बनाई पता नहीं लेकिन हमने YouTube में देखा तो उसमें भी है ही नहीं जी। तो ये आपके लिए एक नई डिश है बहुत अच्छी है इसको हम नमकीन कोकी बोलते हैं जी और उसके साथ में टमाटर की चटनी होती है आपने कहा तो, की सिर्फ इसको नाश्ते में यूज करते हैं में ट्रेवलिंग में भी, अच्छा। भी लेके जा सकते हैं खराब नहीं होती है जी, 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 जी। दो तीन दिन ही चलेगी नो प्रॉब्लम लेकिन विशेष नाश्ते में इसको हम बनाते है तो उसके लिए यहाँ सामग्री आपको सबसे पहले बता देते हमने यहाँ डेढ़ कटोरी गेहूँ का आटा जी आधा कटोरी मैदा जी फिर उसके लिए मलाई हमने लिया है फिर काली मिर्ची है पत्ता गोभी है जी। और थोड़ी सी इलायची अच्छा तो ये चीजें हम अभी आप लोग अच्छी तरह से देखना साथ ही साथ जहाँ तक मैं देख रही हूँ आपने पुदीना भी लिया हुआ है हाँ, तो ये हम टमाटर की चटनी में यूज करने वाले हैं अच्छा अच्छा मिर्ची हरा धनिया ये जो टमाटर है ये टमाटर की चटनी में इसको यूज करने वाले हैं और चटनी में टमाटर की चटनी में अगर आप लोग थोड़ा सा पुदीना डालेंगे हरा धनिया जैसे डालते हैं तो वो टेस्टी बनता है जी तो इसलिए अभी हम क्रमश शुरू करें बिल्कुल जरूर तो अभी यहाँ हम पहले सबसे पहले ये जो आटा है जी। इस आटे को हम इसमें ले रहे हैं जी ये आपने मतलब दो कटोरी इसमें आधा कटोरी मैदा मिक्स कर दिया है जी और डेढ़ कटोरी गेहूं का आटा है डेढ़ कटोरी गेहूं का आटा साथ ही साथ आधा कटोरी मैदा मिक्स इन्होंने किया हुआ है जी इसके बाद आपको इसके अंदर पत्ता को भी डालना है पत्ता कटो तो, पत्ता आधी कटोरी हाँ इसमें आधी कटोरी हम पत्ता को भी डालेंगे जी ये आप देख रहे इसको भी आपने कद्दूकस हाँ इसको कद्दूकस कर करके लेना है ये जो पत्ता को भी हमने डाले इसको हम कद्दूकस कर करके लिया है जी उसके बाद हम इसके अंदर मलाई डालेंगे जी वो कितना चम्मच यहाँ आपने देखा आधा कटोरी ले लो आप ये जो है आधा कटोरे तो हम मलाई डाल देंगे जी मलाई तो हरेक के घर में जैसे दूध होता है जी, जी, आप लोग दूध रखते हैं उसके ऊपर मलाई आती है तो मलाई को आप संभाल कर रख सकते है हुँ, हुँ, हुँ. आ, उसके बाद में हम इसमें नमक और थोड़ा सा सामग्री डेली की जो सामग्री है आधा चम्मच आधा चम्मच नमक डाल दिया जी उसके बाद थोड़ा सा हिंग डाल रहे जी बाकी सामान आप नहीं डालते हैं मैंने आ, इसमें आ, उसमें देखा है हम गरम जी, मसाला जी, और लाल मिर्ची का प्रयोग बहुत कम करते कम करते हैं क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो भी भी डिश हमने बनाई कई भी प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं हुआ है जी बिल्कुल तो ये एक बहुत लोग अच्छे खाते है की बिना प्याज लहसुन का और इतना टेस्टी कैसे बनता है तो ये बहुत एक कमाल की चीज है कि जरूरी नहीं कि हर चीज भी प्याज लहसुन चाहिए लेकिन उसके बिना भी आप जब यहाँ हमारे यहाँ मेहमान आते हैं तो अच्छे खाते कि इसमें प्याज लहसुन आपने डाला नहीं ऐसा लगता ही नहीं तो क्या जादू है तो ये बड़ा वंडरफुल है साथ साथ ही आप लाल मिर्च भी यूज हाँ, लाल मिर्ची नहीं करते हम उसके बदले हरा मिर्च यूज करते हैं क्योंकि हमने अपने दर्शकों को पहले भी बोल दिया है कि आप लाल मिर्ची का प्रयोग कम यूज करना जी, ये आपने इलायची ये इलायची डाला हुआ है हिस्सा और ये काली मिर्ची है ये भी साबुत काली मिर्ची को हमने इसको पीस लिया मिक्सर के अंदर ये आधा चम्मच डाला जी अभी हम इसको मिक्स करेंगे जी। अगर कम पड़ेगा तो थोड़ा सा तेल और पानी का भी हम इस्तेमाल करेंगे जी। हमने पानी भी रखा है और तेल भी रखा है जी। तो अभी ये हम मिक्स कर रहे है इसको वैसे ये आप देख कहा, रहे हैं कहाँ की है ये नमकीन ये विशेष सिंधी लोगों की डिश है अच्छा हाँ सिंधी लोग इसको अपने घरों में बनाते है आपको पानी चाहिए हाँ थोड़ा सा तेल डाल देंगे थोड़ा सा हम हरा धनिया भी इसमें डाल सकते हैं वैसे पत्ता को भी डाला है ऐसा हरा धनिया भी आप इसके अंदर टेस्ट के लिए डाल सकते हैं जी मैक्सिमम दो चम्मच हाँ दो चम्मच इतना आपके? हम थोड़ा सा तेल के बजाय अपने पास मलाई है जी, तो हम मलाई को ही डाल देते जी अगर आपके पास मलाई कम है समझो जी तो आप तेल का भी यूज कर सकते हैं वैसे आपने फिलहाल इसमें एक कटोरी मलाई हाँ ये कटोरी मलाई आ, ये कटोरी नहीं थी थोड़ी कम था जी तो आप चाहे तो तेल का भी इसमें प्रयोग कर सकते जी। अभी हैं अभी आपको डालना है हाँ थोड़ा सा तेल आप इसमें डाल सकते हैं जी। हाँ, बस 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 अब ये आप देख रहे हैं कि जैसे देखो ये हाथ में ये होने लगा है जी जी जी। तो इतने मात्रा में हम इसको में डाले पानी नाम मात्रा ही हम इसमें डालते हैं। ये ध्यान रखना है जी मतलब आपने इसमें एक चम्मच तेल डाला हाँ जी। है एक चम्मच तेल डाला है अभी आपको पानी चाहिए हाँ, थोड़ा सा हल्का से इसमें हम पानी डालेंगे और और थोड़ा सा नमक मुझे लगता है और थोड़ा सा आप डाल सकते हैं हल्का सा हाँ जी डालिए थोड़ी सी काली मिर्ची भी आप और डाल सकते हैं थोड़ी सी क्योंकि इससे क्या हो जाएगा थोड़ी टेस्ट आ जाएगी जी 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 इसके अंदर हमने हरी मिर्ची का प्रयोग नहीं किया है इसमें काली मिर्ची का प्रयोग किया है जी। आ, बस। ये अभी आप देख रहे हैं कैसे आटा बन गया है ये आटा थोड़ा सा टाइट रहना चाहिए ये तो टाइट रहना चाहिए कोकी बनने के लिए जी। और इसमें भी और मसाले आपने देखा कोई भी मसाले नहीं डाले हुए जी बिल्कुल लाल मिर्ची है ना गरम मसाला है मतलब साथ साथ ही आपने इसमें ये आपका जो राई है वो भी नहीं डाला है गरम मसाला है वो भी नहीं डाला लाल मिर्ची है वो भी नहीं डाली हल्दी है वो भी नहीं वो भी नहीं डाली और जो जीरा है वो भी आपने इसमें नहीं डाला नहीं डाला सिर्फ काली मिर्ची इलायची मलाई थोड़ा सा पत्ता को भी हरा देने अभी आप देख रहे हैं बहुत बढ़िया आटा बन गए तो 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 मतलब हाँ। नीचे तो आप तेल थोड़ा सा लगा देना हल्का सा चिपके नहीं इसलिए और छोटी बनाना ही मैं आपको बताता हूँ तेल लगाने से नीचे इसमें चिपकेगा चिपकेगा हाँ इसलिए हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे आटे को और थोड़ा सा आप और मैश कर सकते हैं बुन सकते हैं तो ये यहाँ सहज हो जाएगा अच्छी तरह से उसको आप मैश कर लो हाँ ऐसा मतलब जितना आप उसको मैश करेंगे तो वो एक जीव हो जाता है जी जी जी। अभी ये आप देख रहे हैं मैं आपको एक बना के दिखाता तो। हूँ मतलब ये साइज होना चाहिए हाँ बस ये साइज हमारी होनी चाहिए कोकी की न पतली न मोटी मीडियम साइज ऐसी हो होनी चाहिए जी आप इसको चाहे तो जब हम इस पर डालेंगे जी अब ये मैया डाल के दिखा तो आपको तो जब पलटाना है तो उसके पहले हम इसको चाहे चाकू से चाहे इसी डिजाइन थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं जी यहाँ पलटा है आप इसमें तेल घी कुछ भी हाँ अभी अभी हम तेल थोड़ा सा जी, जी जब जी, उसको सेकना है तो तेल हम डालेंगे आप एक बना के दिखाई मैंने इधर तब तक हम टमाटर की चटनी की तैयारी करते हैं जी आप थोड़ा सा तेल दीजिए जी इसको एक आटे की तरह मतलब एक रोल कर हाँ। जैसे रोटी बनाते हैं जैसे आप बनाते हैं जी जी अभी इसमें दो चम्मच हमने तेल डाल दिया टमाटर की चटनी के लिए आ, ये साइज ठीक है ये धीमी आग रखना है इसका एक ध्यान रखना है जी। जब आप कुकी बनाएंगे तो आग को धीमी रखना है ये साइज ठीक है हाँ बस 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 यही साइज तो आप इसको थोड़ा सा अलग तो, साइड में निकाल के यहाँ डाल सकते हैं जी। या दूसरा कोई लेना है चलो वहाँ रख देना आप अब ये ध्यान रखना है कि जब आप इसको आपने कहा ना सेकने के लिए थोड़ा इसको हम तेल का यूज करेंगे तो दिखाई है देखो ये, ये आप देख रहे कितनी बढ़िया कलर आ रहा है इसका जी। और इसको आपके घरों के अंदर एक मार्केट में मिलता है जो परोठे आप बनाते हैं वैसे भी आप यूज कर सकते हैं थोड़ा सा प्रेस करने के लिए अच्छा इसको जितना प्रेस करेंगे चारों तरफ से सीख जाएगी हाँ इतना ये डिजाइन बढ़िया आ गई आपके। जी अभी हम थोड़ा सा इस तरह का कुकीज नमकीन कुकी नमकीन कुकी आप घर में बना सकते हैं इसमें कुछ नहीं लगेगा अभी हम यहाँ टमाटर की चटनी का छोक लगा रहे हैं साथ साथ जी ये आप देख रहे हैं थोड़ा अदरक थोड़ी मिर्ची हाँ टमाटर तो आपने दो कटोरी हाँ जी दो, दो कटोरी टमाटर है छोटा ये आप देख रहे हैं टमाटर की चटनी साथ में इसमें भी आपने ये ये जो सामग्री है आपकी ये आपने यूज़ नहीं की है हाँ इसमें कोई यूज नहीं किया बस अभी इसमें नमक यूज करेंगे हरा धनिया और पुदीना जी ये आप देख रहे हैं कुकी धीमी आग हमने रखी इसके लिए धीमी आग रखनी पड़ती है जी और जैसे मैंने कहा कि इसको थोड़ा सा आप ऐसा प्रेस करेंगे तो किनारे जो है किनारे पक जाएंगे इसको प्रेस करने का मतलब होता है कि, कि किनारे भी पूरी तरह से वो पक लेकिन वो कुछ ज्यादा मोटी नहीं है नहीं ये जो है ना ये अपना जो परोटा होता है ठेपला होता है जी। उससे थोड़ी मोटी रखते है और इसका एक रीजन है कि ये खराब नहीं होगी अच्छा इसका आप दो चार दिन रखो इसी तरह से मीठी भी कुकी बनती है जी, वो भी हम अपने दर्शकों को आ, बना के दिखाएंगे जी, ये आप देख रहे कैसा कलर लग रहा है आपको एक फिलहाल तो मुझे इसको आलू का पराठा याद आ रहा है उसका भी आ, हाँ कलर ऐसा ही ही होता है, है।, है। ब्राउन ब्राउन थोड़ा सा इसमें कलर आता है वो आप देख सकते कि इसमें ब्राउन ब्राउन थोड़ा सा कलर है सीखने के बाद इसमें थोड़ा सा एक अच्छी सी सुगंध आ रही है हाँ जी अभी ये सीख गए आप देख रहे हैं ना ये सीख गए हैं अभी हम इसको दूसरी जो है वो भी डाल देते हैं अगर आपके पास बड़ा तवा है तो और भी आ जाएंगे। आइए लाइए। थोड़ा सा अगर बड़ा है तीन आ जाएंगे इसमें और ये साथ, -साथ हम यहाँ टमाटर की चटनी भी बना रहे हैं इसमें अभी हम थोड़ा सा नमक डालेंगे चटनी के हाँ जी वो भी टेस्ट अनुसार। ये भी टेस्ट के अनुसार मतलब आधा आधा चम्मच। आदा चम्मच। इसके साथ जरूरी है कि टमाटर की चटनी या फिर हरी चटनी यूज नहीं कर हरी भी हैं? कर सकते हैं लेकिन टमाटर की चटनी जरा इसमें टेस्टी लगती है अच्छा आ, हरी चटनी सूजी का डोकरा इडली उसके साथ में वो मैच होता है इसके साथ में टमाटर की चटनी मैच हो जाती है अभी आप देख रहे कि कैसा हम लोग तीन तीन डाल दिया जी। ये एक नई डिश हाँ जी ये हमारे दर्शकों के लिए बहुत मतलब नई चीज है आप लोग घर में भी इसको बना सकते हैं नाश्ते में इसमें जो एक आटे आपको में... खाएंगे तो भूख भी नहीं लगेगी क्योंकि इसमें हमने मलाई भी डाला है वही अच्छी तरह से भारी नाश्ता है लेकिन आपसे एक बात पूछ रही थी इसमें जो आपने मलाई डाली हाँ जी वो मलाई के कारण आटा एकदम हुआ सॉफ्ट हो जाता है सिर्फ तेल डालेंगे तो थोड़ी सी कड़क हो सकती है मलाई इसलिए डालते हैं कि वो सॉफ्ट सॉफ्ट रहेगी टमाटर की चटनी के अंदर कई लोग गुड़ भी डालते हैं जी। कई लोग चीनी भी डालते हैं तो फिलहाल हम लोग ये थोड़ा सा जो तो पुदीना है अगर आपके पास घर में पुदीना है तो पुदीना थोड़ा सा डालो आप टेस्ट हो जाएगी जी। जैसे आपने आपने कहा कि आप टमाटर में कोई इस तरह की कोई सामग्री नहीं डालते हैं हाँ जी लेकिन कोई कोई ऐसा होता है कहते हैं कि अगर हम ग्रेवी है या कोई सब्जी है या किसी तरह की कोई ऐसी चीज बनाते हैं तो उसमें रंग आने के लिए हल्दी और लाल मिर्च डाली जाती है आपको लाल मिर्ची मैंने आपको कहा कि मार्केट में मिलती है सिर्फ वो थीखी नहीं होती कलर के लिए होती है तो आप वो डाल सकते हैं कलर के लिए कलर के लिए वो आजकल मार्केट में मिलती है जी। तो उसको आप यूज कर सकते बेनिफिट कुछ भी नहीं है कहने का है ऐसा? उसका सिर्फ कलर आ जाएगा आपको देखने के लिए अभी आ, आप देखने देखा होगा कई के लोग क्या करते हैं जब कई डिश होती है आलू वाड़ा वगैरह होता है दही वाड़ा जब होता है तो ऊपर से सजाने के लिए हरा धनिया वो जो कलर वाली लाल मिर्ची वो डालते हैं तो अट्रैक्टिव लगता है ये आप देख रहे हैं कि अगर आपके घर में मेहमान ज्यादा आए और आपको जल्दी जल्दी देना है तो इससे भी बड़े बड़े तवा आपके घर में अगर हो तो आप दो चार ऐसी डाल सकते हैं जो साथ साथ में पक जाए लेकिन अगर हम इसको तेल में फ्राई करें तो नहीं होगा। तेल हमने जो डाला है अभी आ, नहीं तेल में नहीं इसको ऐसे सेकते है करके वैसे नहीं करते आ, नहीं, नहीं इसको वैसे नहीं करते हम <laughs> इसको ये परोका, करारा जैसा होता है ना जी जी करारा परोटा सेकना है इस आप देख रहे हैं जी और आग को हमने धीमा ही रखा है ये ध्यान रखना है कि आख को धीमा रखेंगे तो अंदर तक वो सीख जाएगी आपको कच्ची नहीं लगेगी अगर आप आँख को तेज करेंगे तो अंदर कच्चा रह जाएगा इसलिए इसको धीमे धीमे सेकना पड़ता है ये हम प्रेस इसलिए कर रहे हैं कि चारों तरफ वो सीख जाती है जी। अब ये जो टमाटर की चटनी देखो इस तरफ तैयार हो गई है जी इसमें हम थोड़ा हरा धनिया भी डाल सकते हैं जी हरी मिर्ची डाला है इसके अंदर राई डाला है थोड़ा जीरा ही अदरक और मिर्ची अभी आप देख रहे हैं ये भी कोकी आपके लिए रेडी हो गए आपको कैसी लग रही कलर ठीक लग रहा है मुझे तो फिलहाल बहुत अच्छा लग रहा है कि नहीं। दर्शकों को कैसा लग रहा है वो तो फिर बना के ही जाएंगे करेंगे तो बताएंगे इसका कि कैसा जी टेस्ट है वैसे आपने इसका स्थान बताया कि ये सिंध का फेमस है हाँ जी सिंधी मतलब सिंधी लोग, लोग इसको जाला जाला थे। थे। इसकी खासियत क्या है की इसके अंदर ये है कि आपने देखा होगा पत्ता गोभी डाला है काली मिर्ची डाली है जी आ, मलाई डाली है तो ये जो है एक टेस्टी बहुत होता है और आप है ना इसको रखिए मतलब बाद में भी खा सकते हैं तो जब आप ये टेस्ट करेंगे तो आपको लगेगा अन्य परोठा या ठेपला, उससे कुछ इसकी अलग खासियत ये है कि आपको भूख भी नहीं लगेगी जी इसके अंदर आ, ये आप देख रहे हैं हमारे दर्शक देख भी रहे कैसी बन रही है जी बिल्कुल आपको अगर नाश्ते में तुरंत नाश्ते में देना है तो चटनी को ज्यादा भुनने की जरूरत नहीं लेकिन अगर आपको जेरने के लिए लेके जाना है तो फिर उसको अच्छी तरह से भून लेना ताकि सारा पानी सूख जाए तो यह आप देख रहे हैं कि अभी हम फिलहाल आप इसको हम निकाल देंगे कटोरी में तो आप इसको टेस्ट भी कर सकते हैं और जैसे मैंने कहा कि अगर चीनी डालना है आपको गुड़ डालना है तो वो भी आप डाल सकते हैं इसके अंदर जी वैसे गुड़ और चीनी है तो गुजराती का एक हाँ जी अलग सिंधी लोग भी डालते है इसके अंदर अगर डालना है तो टमाटर की चटनी खाने के बाद तो तो ये इसी तरह आ, ये नमकीन कुकी बन गई है जी। और मैं समझता हूँ कि आप लोगों को जरूरी पसंद आएगी जी। आप जब ये बन जाएगा अभी बन तो गए हैं तो आप इसको टेस्ट भी कर जी, सकते हैं जी 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 इधर बनती रहेगी अगर मेहमान बैठे तो आप उनको फिलहाल हमारी ये नमकीन कोकी नमकीन टमाटर चटनी के साथ रेडी है रेडी है जी अगर आप की आज्ञा हो तो क्या मैं इसको जरूर जरूर आप टेस्ट कर सकते रेडी भी है जी आप इसको टेस्ट कर सकते हैं और हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि ये कैसी बन गई जी फिलहाल तो मैं इतना बता दूं कि कोकी का रंग इस तरह से होना चाहिए आप देख रहे हैं कि किस तरह से रेड रेड थोड़ा ब्राउन ब्राउन हो गया है और आप टमाटर भी की चटनी देख सकते हैं कि वो भी एक तरह से उसका तेल अलग हो गया क्योंकि वो अच्छी तरह से पक चुकी है ठीक है थोड़ा सा गर्म है मन तृप्त हुआ फिलहाल तो अभी फिलहाल आपको टेस्ट करके बता रही हूँ इसमें नमक एकदम परफेक्ट है साथ ही साथ हमने इसको जो बनाया जैसे कि हमारे भाई जी ने बोला कि इसमें आपने मलाई डाली मैं मेन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपका जो सॉफ्ट आटा जो है वो सॉफ्ट हो जाता है पकने के बाद वो सॉफ्टनेस अभी भी इसमें हार्ड नहीं है वो एकदम सॉफ्ट है ये सॉफ्ट दिखाई दे रहा है और चटनी भी काफी टेस्टी है मन कर रहा है कि अभी खाती रहूँ आपको आगे ना लेके जाऊँ मैंने आपको नहीं पूछा उसके लिए माफी चाहती हूँ आप नहीं। <laughs> आप खाते रहते हैं इसलिए मेरे को दर्शकों को बताना पड़ेगा कि कितनी टेस्टी है ये क्योंकि आपके हाथ बनी हुई है आप खुद टेस्ट करेंगे तो आप बोलेंगे जैसा हम रोज बनाते हैं वैसा सेम है लेकिन मेरे लिए बिल्कुल नहीं है आप भी अपने घर में बनाते हम तो बनाते ही रहते हैं और खाते हैं इसलिए हमारा कोई नहीं लेकिन हमारे दर्शकों के लिए हम कहेंगे की जरूर आप लोग इसको ऐसे अपने पास घर में बनाइए नाश्ते में जी 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 और जो जो हम रेसिपी बना रहे हैं एक बार जरूर आप लोग अपने पास बना के देखिए जी बिल्कुल अभी इस डिश का नाम था नमकीन कोकी और साथ ही साथ नमकीन टमाटर की चटनी ये बहुत अच्छी बात बोली कि अगर हम इसको खाली खाएंगे तो टेस्ट नहीं आएगा मज़ा नहीं आएगा नमकीन चटनी आपको इसकी टमाटर की बनानी ही पड़ेगी क्योंकि कोई ना कोई चीज़ के साथ कोई ना कोई चीज़ मेल खाती ही है अभी भी आपका मन शायद बनाने का ही है वो आप हाँ दर्शकों को और चाहते हैं कि बना के ये आप देख रहे हैं हाँ बहुत अच्छी तरह से ये कुकी भी आप देख रहे हैं कितनी अच्छी डिश बन गई है जी जी, जी 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 बिल्कुल आ, बहुत टेस्टी आपने ज्ञान के माध्यम से आप भोजन बनाते हैं तो एक ज्ञान के माध्यम से दो शब्दों में हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहिए हम दर्शकों के लिए ये कहेंगे कि देखिए कोई भी हमारी माताएं बहनें जब रसोई बनाती घर में तो डेली के रूटीन में उनको सब पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है तो उसके लिए सोचने की ज़रूरत नहीं आप जाएंगे तो आपको पता है रसोई में ये यह यहाँ है ये यहाँ यह यह बिल्कुल रोज़ की रूटीन है तो उस समय जैसे हाथ कारडे और दिल यारडे ये जो कहा हुए थे कि हम हाथ से कर्म करें लेकिन दिल यार के पास मतलब भगवान के पास के पास, पास जी, तो जी, वो हम ध्यान रखते हैं कि ये रोज की रूटीन के आपके हाथ में सब चीजें होती है बिल्कुल बिल्कुल हर चीज के लिए पूछने की जरूरत नहीं वो चीज कहा रखी है आप लेने के लिए जाएंगे तो हमारे घर में जो महिलाएं है बहनें है उनको पता रहता है तो उस समय हम भले हाथ से कर्म करें लेकिन हमारी जो दिल है मतलब मन जो है वो भगवान परमात्मा की तरफ होना चाहिए तो उसमें क्या हो जाता है इसमें शक्ति भी हम भरा सकते है भोजन के अंदर जी और जब वो परमात्मा की शक्ति वो किरणें जब इसमें आ जाती है तो खाने वालों को भी बहुत संतुष्टि हो जाती हो, हो है। जाते है, है। मतलब उनका जो, हेल्थ है वो भी तंदुरुस्त हो जाता है जी आप हमारे शेफ डायरी में आए और शेफ डायरी के साथ साथ आपके हाथ में पेनो डायरी जरूर होनी चाहिए ताकि कोई भी सामग्री आप मिस ना करें इन्होंने अलग अलग तरह की सामग्री बनाई है उसमें पुदीना धनिया काली मिर्च इलायची साथ ही साथ अदरक हरी मिर्च मलाई टमाटर और मैदा ये सब इन्होंने यूज किया है अलग अलग तरह की सामग्री मुझे उम्मीद है कि आप पेन डायरी लेके बैठे हुए हैं आप आज हमारी डायरी शेफ डायरी छोड़ने वाले नहीं है मुझे ऐसा लगता है हाँ, मतलब ये पक्का देते हैं <laughs> मुझे लगता है आप कंटिन्यू करना चाहते हैं <laughs> इतना पक गया अभी जी निकाल जी जी बिल्कुल बिल्कुल आप बहुत एक भावपूर्वक उस चीज को बना रहे हैं बहुत हाँ, अच्छा लगा कि दर्शकों को कितने मन संतुष्ट होकर आप खिलाना चाहते हैं आप हमारे शेफ डायरी में आए आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू मित्रों आज हमने सीखा नमकीन कोकी कैसे बनाते हैं और उसकी आपकी मैंने आपके लिए शेफ डायरी के साथ साथ आपको मैंने बोला कि पेन डायरी भी रखनी चाहिए आप इसमें सामग्री क्या क्या लगते हैं वो भी आपको नोट होना चाहिए लेकिन एक बात सूखी कोकी नहीं टमाटर की चटनी अगली कड़ी में नए मेहमान के साथ और नई कड़ी में नई रेसिपी के साथ आपके समक्ष फिर से हाजिर होंगे तब तक, तक के लिए दीजिए इजाजत नमस्कार ओम शांति